चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। जनता को परेशानी नहीं हो इसका मोदी जी पूरा ख्याल रखते हैं। मोदी जी को जब भी हॉस्पिटल आना होता था तो रात को आते और ट्रीटमेंट लेकर चले जाते। नरेंद्र मोदी का मानना था कि उनकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये कहना है डॉक्टर गिरीश परमार का। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आज सुनिए पीएम मोदी की अनसुनी कहानी डॉक्टर गिरीश परमार की जुबानी। मोदी साहब एक्चुअली 2001 से ये हॉस्पिटल में आते थे। बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स इतने सारे होते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव भी होते हैं, तो रात को दिन को सारे पेशेंट्स ही मिलेंगे आपको। तो वो ज़्यादातर पसंद करते थे कि मैं लेट आऊँगा, शाम को ही आऊँगा, 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे के बाद ही आऊँगा। तो एक बार मैंने पूछा, सर क्यों ऐसा आप प्लान कर रहे हो लेट आने का? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर देखो, मैं आऊँगा, आपका भी पूरा शेड्यूल होता है, आपके पेशेंट्स होते हैं, रूटीन पेशेंट्स है, मेरा भी शेड्यूल है, मुझे भी काम होता है, पूरा दिन मुझे भी काम करना होता है, तो आप आपका काम कर लो, मैं मेरा काम कर लूँ, और उसके अलावा जो मैं आऊँगा तो 1 घंटा 2 घंटा पूरा सिस्टम आप बंद कराओगे तो जनरल पब्लिक को कितनी परेशानी होगी। तो शाम को जनरल पब्लिक की ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होती है, तो वो और वो सायरन भी नहीं बजाने अलाउ करते थे, हॉर्न भी नहीं करना है, चुपचाप आके ट्रैफिक पुलिस को भी पता नहीं होता है कि सर आए हैं, और चुपचाप आके अपनी ट्रीटमेंट करा के एज कॉमन मैन वो आके ट्रीटमेंट करा के जाते थे। तो ये भी पब्लिक के लिए ही वॉज ऑलवेज कंसर्न कि तकलीफ पब्लिक को नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से।